साइंस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे में हम जहां खड़े हैं, मेरे पीछे तस्वीर देख रहे होंगे कि हाइप्रोटेक जो एक कंपनी है, जिनके जो है फाउंडर हैं अभिषेक जी हैं, और ड्रोन को लेकर के जबरदस्त तरीके से ये इनोवेशन करते हैं। ऐसे में इनसे ही जानेंगे। अभिषेक जी, स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। ये ड्रोन आपने जो आज लॉन्च किया है, कैसे कुछ आइडिया आ रहा है और क्या कुछ स्ट्रेटजी है आपकी? हम लोगों का जो कंपनी है हाइप्रोटेक, जो कि विक्टेक के साथ कोलैबोरेशन में काम करता है, हम लोग बेसिकली रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। आने वाला समय जो है वो टेक्नोलॉजी का ही है, और इसमें हम लोग बच्चों को रोबोटिक्स और ड्रोन एजुकेशन के बारे में सिखलाते हैं लोग, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं लोग। जी, ड्रोन और रोबोटिक्स में आप स्कूल में भी प्रोवाइड करने चाह रहे हैं, स्कूल में भी एजुकेशन देना चाह रहे हैं, ऐसा है क्या? अभी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रोबोटिक्स एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपलसरी किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसी चीज को हम लोग आगे लेकर सारे स्कूल में जो है हम लोग अपना रोबोटिक्स लैब एस्टैब्लिश करने का काम कर रहे हैं लोग, और वहाँ पे प्रॉपर वे में ट्रेनिंग करवाते हैं लोग। अच्छा भाई साहब, ये भी स्कूल चलाते हैं आप लोग? जी। कौन सा स्कूल चलाते हैं? चंद्रशील। चंद्रशील जी। अच्छा, बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं रोबोटिक्स और ड्रोन में जी, क्या कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हैं? बहुत ज़्यादा। तो हम लोग ने अप्रैल में स्टार्ट किया था रोबोटिक्स क्लास अभिषेक के थ्रू, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लोग स्पोर्ट्स के इंस्टेड ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स, वो लोग रोबोटिक्स क्लास में आना चाह रहे हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत अपने से खिलौना बनाना सीख पा रहे हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स वो पहले नहीं कर पाते थे, अब अपने से कर पाते हैं। तो मैंने भी कई बच्चों को देखा है, बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। कई बच्चे जेसीबी बना रहे हैं नए नए तरीके से, तो कई सारी चीज़ बना रहे हैं, कोई दूरबीन बना रहे हैं, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। तो इस तरीके से आप लोग का जो ये चीज है कितना कारगर होगा? सर, बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। हम लोग को पहले एक बार प्लांट, वी हैव टू प्लांट द सीड इन द किड्स, तभी जाके उनको हम लोग थोड़ा सिखा देंगे कैसे कर सकते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट करने जब अपने से स्टार्ट करेंगे, तब उससे कुछ ना कुछ इनोवेशन आएगा, तभी उनका वैल्यू दिखेगा। लेकिन अभी तो हम लोग उनको सिखाना है ABCD रोबोटिक्स सिखाना है, तब कल जाके 5-10 साल में इनोवेशन। एक कोर्स भी है? जी डेफिनेटली, हमारा एक पूरा साल का कोर्स है, आफ्टर स्कूल प्रोग्राम भी है, और ट्रेनिंग भी कराएंगे। जी उसी इंटर्न, जस्ट लाइक जी इंटर्न वो बाद में होगा, बट स्कूल में प्रॉपर कोर्स है, जैसे हिंदी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स, वैसे एक रोबोटिक्स कोर्स है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है लाइक एनी अदर कोर्स, और आफ्टर स्कूल प्रोग्राम भी है। तो बिहार में स्कूल कॉलेजेस में ये चीज़ ज़्यादा अब शुरू कर रहे हैं आप लोग? काफ़ी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जैसे मैंने अपने स्कूल में स्टार्ट किया, अभी और भी अलग स्कूल में लोग स्टार्ट कर चुके हैं बिहार में, और अलग अलग शहर में और स्टेट्स में इन इंडिया। तो काफ़ी इंटरेस्ट स्कूल में अभी तक चल रहा है? अभी 14 स्कूल है। 14 स्कूल में जी, ऑल ओवर इंडिया। अब शेख जी, थोड़ा सा इधर आइएगा। ये जो आपने ड्रोन लॉन्च किया है, क्या कुछ खास है इसका? ये जो ड्रोन है बेसिकली हम लोग अनाउंसमेंट ड्रोन है, और साथ ही साथ इसमें ट्रैकिंग कैमरा रहेगा, जो कि हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन जो है हाइप्रोटेक और विक्टेक मिलकर बनाया है। इसमें जो है ये हम लोग बिहार STF को देने जा रहे हैं लोग। अच्छा। जैसे कि बहुत सारा प्लेस पे काफ़ी भीड़ हो जाता है, तो पुलिस वाले को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आता है, तो इस ड्रोन का मदद से जो है वो लोग कंट्रोल कर पाएंगे, अनाउंस कर पाएंगे। इस बिहार पुलिस के पास जो अभी अवेलेबल ड्रोन है, कई जगह जो आप शराब के मामले में बहुत सारे ड्रोन से लोग इंक्वायरी करते हैं, तो क्या उस टाइप का है ड्रोन उनके पास? शराब वाले में भी हमारा कंपनी जो है ड्रोन प्रोवाइड किया था, जो कि इलीगल वे में अल्कोहल बनाता है, उनको मॉनिटर करने तो लार्ज लेवल पे मॉनिटर हो जाती है आपकी। यस आपने दिया था ड्रोन, क्या बात है। और इस ड्रोन का क्या कुछ मतलब कि जो नए कॉन्फ़िगरेशन आपने दिया है, कई मेहनत, काफी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में? मेहनत तो लगा है। इस ड्रोन का जो रेंज है 10 किलोमीटर तक, मतलब कि यहाँ से आप 10 किलोमीटर दूर भेज सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो खास बात है, इसमें क्या है कि 10 केजी वेट उठा सकता है। अगर आपका जो है कोई भी सामान 10 किलोमीटर तक पहुँचाना है और 10 केजी वेट तक का है, तो हम लोग इसको इसे कैरी करके इजिली पहुँचा सकते हैं। कितनी लागत लगी होगी इसको ड्रोन बनाने में? ये तो है बेसिकली 6-7 लाख का है। इसमें हम लोग जो है जो देने वाले हैं लोग, इसमें मेन कॉस्ट आता है कैमरा का, ठीक है। तो अच्छे क्वालिटी का कैमरा यूज करके, मतलब
15-16 लाख तक अपना रेडी हो जाता है। 15-16 लाख में। अच्छा, ये ड्रोन क्या बिहार सरकार को आपने बताया? हाँ, अभी जो है हम लोगों ने बिहार सरकार को 3 जगह डेमो दिया है, पटना में, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में। बिहार एसटीएफ को, और आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द हमारे ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ से कुछ वर्क ऑर्डर भी मिलेगा। अच्छा, रिसर्च बहुत ज़्यादा करना पड़ता होगा इसमें में, कितने लोग टीम आपकी काम कर रही होगी इसमें, कितने लोगों की टीम है, क्या कुछ हो? टोटल हमारे कंपनी में 42 लोग काम करते हैं, और अभी पटना में जो है 13 लोगों का टीम है। अच्छा अभिषेक जी, आपने इंजीनियरिंग किया, बीटेक किया, कहाँ से? हमने टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है। जॉब भी करी आपने? आज तक नहीं। अच्छा, ये नया आइडियाज आपको आया हाइपरटेक कंपनी को एस्टेब्लिश करना, और फिर ड्रोन जैसी बहुत सारे रोबोटिक्स जैसे काम कर रहे हैं आप, तो ये नया एक्सपेरिमेंट, नया रिसर्च, ये नया कुछ आइडिया कैसे आया? बस था कि टेक्नोलॉजी का फील्ड में कुछ करना है तो कर लिया। अच्छा, यानी टेक्नोलॉजी से लैस अब दुनिया है, और हमारा इंडिया भी कम नहीं है इसमें, तो इसको क्या, ये इसको डेमो में उड़ता है ना ये? हाँ, प्रॉपर फ्लाई करता है, क्योंकि यहाँ पे तो टफ है दिखलाना, ग्राउंड में मैं कभी दिखलाऊं। तो इसका विजुअल आपके पास होगा? श्योर श्योर। तो इसका विजुअल में आप देखेंगे कि कैसे इसके जो डिस्टेंस है और जबरदस्त तरीके से काम करता है, यानी कि 10 किलोमीटर के रेंज में ये काम करता है ड्रोन। इसका आपने नाम दिया है, क्या दिया है? इसका जो है हाइप्रोटेक है, और ड्रोन बेसिकली अभी इसका कोई नाम नहीं है। बस नाम नहीं, कंपनी का नाम से ही अपना ड्रोन है। चलिए, और भी आगे नए नए इन्वेंशन कीजिए, इनोवेशन कीजिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको बधाई। थैंक यू। तो दोस्तों, इनोवेशन की दुनिया में, रिसर्च की दुनिया में एक से एक दिग्गज आगे आ रहे हैं, और बिहार सरकार, और बिहार में भी टैलेंट की कमी नहीं है। एजुकेशन में अब बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में ज़्यादा फोकस करना जरूरी है। रोबोटिक्स में इन लोग इंटरेस्टेड है, बच्चे यूथ अवेयर हैं, और ऐसे में अब नए इनोवेशन के साथ साथ नई नई चीज़ें लॉन्च होगी। अभिषेक जी काफ़ी ज़्यादा जुझारू तरीके से काम कर रहे हैं, और आगे और इसमें आगे आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।